सेल की स्ट्रेटजी भी बन गई और सर्व की स्ट्रेटजी भी बन गई अब सर्व की स्ट्रेटजी के अंदर आपने कंटेंट के बारे में केयरफुल ये देख लिया कि हमने किस तरह का कंटेंट बनाना है रिसर्च भी की होगी स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट भी बना होगा और इवेंचुअली एवरीथिंग इज रेडी अब तीसरी स्ट्रैटी जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो है स्पीक की स्ट्रैटी आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपके इलाके में एक रेस्टोरेंट खुला है और उसका खाना भी बहुत अच्छा है वो इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छा यूज़ करते हैं शेफ़ भी बहुत अच्छा है सिटिंग का एरिया भी बहुत अच्छा है लेकिन उनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है जो अक्सर लोग आम अल्फाज में कहते हैं यानी कि वो लोगों को ये बता नहीं पा रहे कि हम कितने बेहतर हैं या आप हमारे रेस्टोरेंट में आएँ और आकर खाना खाएँ इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग इन्वामेंट के अंदर भी प्रमोशन जो फोर पीस के अंदर हमने पढ़ा था जिसमें चीज़ को आपने प्रमोट करना है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो फाइव एस की है उसके अंदर स्पीक का जो कंपोनेंट है वो प्रमोशन के कंपोनेंट को कवर करता है अब स्पीक के कंपोनेंट के अंदर आप अगर कोई एक्सपीरियंस अपना याद करें किसी दुकानदार के साथ कि आप गए उसे चीज़ लेने और वहाँ जाके आपने देखा कि वो चीज़ एंड एवरी थिंग एल्स वॉज़ वेरी फाइन आपको क्वालिटी भी पसंद आई उसकी कीमत भी पसंद आई लेकिन उस बंदे का इखलाक अच्छा नहीं है तो क्या होगा आप क्या दोबारा वापस जाएंगे या उसको एक नेगेटिव फीडबैक देंगे और उसके बाद आप उसके पास जाना छोड़ देंगे क्यों क्योंकि वो आपको आपके साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा ही इज़ नॉट एबल टू टॉक टू यू प्रॉपर्ली ही इज़ नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू प्रॉपरली और वो जो स्पीकिंग जो उसको करनी चाहिए वो उसको कर नहीं पा रहा और उसकी वजह से वो अपने बिजनेस को भी प्रमोट नहीं कर पा रहा तो लोग उसके पास फिर आता आहिस्ता जाना छोड़ देंगे ये तो हो गया एक ट्रेडिशनल बिज़नेस के जो आपको किसी भी रोड के ऊपर नज़र आता है लेकिन डिजिटल इन्वामेंट के अंदर यूज़र का ऑलरेडी अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है ये आप जेहन में रखें आप अपने आप को ज़रा थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करें कि अगर मैं आपको एक ऐसा कॉन्टेंट इस कोर्स में पढ़ा रहा हूँ कि जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है ये ऐसी एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ जो आपने कभी देखी नहीं आपने कभी सुनी नहीं मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ और आप कभी हो सकता है लाहौर ना आए हो तो क्या वो चीज़ रेलिवेंट होगी वो कभी भी रेलिवेंट नहीं होगी आप उसको थोड़ी देर के लिए सुनेंगे उसके बाद उसको बंद कर देंगे आप कहेंगे यार ये आ, मेरे पढ़ने की चीज़ें तो नहीं है पता नहीं वो कौन लोगों कि जो इस चीज़ को समझ सकें या इसका लेवल वो नहीं है जिसको मैं समझ पा रहा हूँ तो इसी वजह से जब आपने स्पीक की स्ट्रेटजी बनानी है तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जब सर्व के अंदर कंटेंट को देख लिया तो स्पीक के अंदर वो प्रमोशनल एलिमेंट्स को आप जहन में रखें कि जो आपके यूज़र तक पहुंच सके और आपका यूज़र उसको देख के ही समझ सके कि आप बेसिकली उसको क्या बताना चाह रहे हैं और कौन सा कंटेंट है जो उसके सामने वो आएगा तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि स्पीक स्ट्रेटजी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं नंबर वन प्रमोटिंग इंगेजमेंट्स अब हमने पूरे कोर्स के अंदर अगर आप थोड़ी देर के लिए याद रखें या याद करें तो प्रमोशन और प्रमोटिंग एंगेजमेंट्स की बार 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 बात की है हमने फेसबुक एडवर्ट्स में देखा कि किस तरीके से आप पैसे खर्च करके इंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं अच्छा इंगेजमेंट क्या होती है बायता वे व्हाट एक्चुअली इज एन एंगेजमेंट पूरा कोर्स खत्म हो गया जरा मुझे बताएं कि एंगेजमेंट से क्या मुराद है वो नंबर ऑफ़ लाइक्स के जो आप अपनी पोस्ट पर बढ़ाना चाह रहे हैं वो नंबर ऑफ कॉमेंट्स के जो आप अपनी पोस्ट पर बढ़ाना चाह रहे हैं आप ये चाहते हैं कि आपकी पोस्ट के ऊपर लोग कॉमेंट करके फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करें पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए इलेक्शन के अंदर एक पार्टी जीती एक पार्टी हारी लेकिन फेसबुक पे जब भी उस पर्टिकुलर इलेक्शन रिलेटेड कोई पोस्ट होती है तो नीचे कमेंट्स की एक पूरी भरमार होती है और उन कमेंट्स के ऊपर फिर डिस्कशन हो रही होती है तो इंगेजमेंट ऑफ दोज पोस्ट आर वेरी वेरी हाई और काफ़ी ऐसे पेज हैं जो मैं जानता हूँ कि वह जान के ऐसी एक पोलिटिकल पोस्ट करते हैं कि जिसके अंदर इंगेजमेंट बढ़े इंगेजमेंट बढ़ेगी तो उनके पेज की रीच भी बढ़ेगी और रीच बढ़ेगी तो उनका वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि जिसको वो अचीव करना चाह रहे हैं तो स्पीक स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपनी इंगेजमेंट को प्रमोट करना है अच्छा इंगेजमेंट को प्रमोट आप कैसे कर सकते हैं कौन कौन से उसके अंदर तरीके हो सकते हैं एक तो ये हो सकता है कि जो कॉन्टेंट आप बना रहे हैं वो कॉन्टेंट बहुत ज़बरदस्त हो वो इतना अच्छा कॉन्टेंट है या इतना इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट है कि उसके ऊपर लोग लाइक like के बटन को क्लिक करें या उसके ऊपर कॉमेंटिंग करें या उसकी डिस्कशन के अंदर उसको इन्वॉल्व हो या एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको शेयर करें अपने पेज के ऊपर क्योंकि एवरी टाइम एन समन इज शेयरिंग ए पोस्ट ऑन देयर पेज दैट इज़ गोइंग टू द पीपल के जो उसके पर्टिकुलर फेसबुक पेज में एडिड हैं तो एक बंदे के पोस्ट करने से हो सकता है तीन सौ लोगों तक आपकी पोस्ट पहुँच गई है तो वह एक रैपिडली uh, आपकी पोस्ट जो है वो इंगेज हो रही है प्रमोट हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एंगेजमेंट के अंदर आप उसके अंदर शामिल हो रहे हैं अच्छा अब ये तो हो गया ऑर्गेनिक तरीका कि जिसमें आपने कंटेंट अच्छा बनाया और वो कंटेंट ऑटोमेटिकली वायरल हो गया प्रमोट हो गया और वो दूसरे लोगों तक तो पहुंच गया सेकंड तरीका है पेड तरीका और पेड प्रमोशन से आपने कभी घबराना नहीं क्योंकि पेड प्रमोशन इज़ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और फेसबुक के ऊपर तो वैसे भी जो आप मिनिमम एक डॉलर पर डे की एक रिक्वायरमेंट है एक डॉलर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मनी तो आप उसको यूज़ करके प्रमोशन कर सकते हैं और इंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं और इंगेजमेंट जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा आपके पेज की रीच बढ़ेगी और रीच बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र बेस आपके पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे अब जब प्रमोशन हो गई इंगेजमेंट भी बढ़ गई आपने देख लिया कि आप मेरे पेज के ऊपर इंगेजमेंट बढ़ गई है अब लाइक्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं मेरे पेज के ऊपर नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं लोग डिस्कशन करते हैं मुझे मैसेज करते हैं मुझसे सवाल पूछते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग का होता क्या है कि आपने नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ा लिए आपने फेसबुक पेज के ऊपर हो सकता था दो लाख लोगों ने लाइक कर लिया आपके पेज को और आपने वहाँ अपने पेज को छोड़ दिया आपने कहा कि भाई मैंने तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है अब बस मैं कंटेंट को पोस्ट करता रहूँगा लोग उसको पढ़ते रहेंगे एंड दैट्स इट आई एम अ पॉपुलर मैन या मैं इस पेज को किसी और बिजनेस को बेच दूंगा और ये तमाम लोग उसको ट्रांसफर कर दूंगा ऐसे आपने कभी नहीं करना हमेशा रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर तोज्जो दें वो याद करें उस शॉपकीपर की एग्जाम्पल जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दी थी आप उसे चीज़ लेने गए उसने आपको चीज़ भी ठीक दी पैसे भी ठीक थे लेकिन उसने आपसे बात ठीक तरीके थी से नहीं की आप उस हो सकता है उसने आपसे चाय का कप भी ना पूछा हो अक्सर एक चीज़ जो यहाँ मैंने ऑब्ज़र्व की और यहाँ मैं उसका एक एग्ज़ैम्पल देना चाहूँगा और आप में से वो लोग एग्री करेंगे जिन्होंने आज तक कभी एक ब्रांड न्यू गाड़ी जो है या एक नॉर्मल गाड़ी किसी जो गाड़ी बेचने वाली दुकानें होती हैं उनसे ख़रीदी हो या किसी शोरूम से ख़रीदी हो आपने तीस लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है और जब गाड़ी आप लेकर बाहर निकले तो आपने देखा कि उसकी जो पेट्रोल की टैंकी है वो बिल्कुल खाली है उसकी लाइट जल रही है तो आप मुझे बताएँगे आप खुश होंगे या आपको गुस्सा आएगा आप कह रहे हैं भाई तीस लाख की तुमने गाड़ी बेची तो तीन हज़ार तुम मुझसे और एक्स्ट्रा ले लो इसकी टेंकी मुझे फुल करके दे दो और जब आप जाने लगते हैं तो आपको बताते हैं कि भाई सड़क के इस कॉर्नर के अंदर ही पेट्रोल स्टेशन है जाते हुए पेट्रोल भरा लीजिएगा वो बस उधर तक ही बड़ी मुश्किल से गाड़ी पहुँचती है और अगर रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा है और गाड़ी बंद हो जाए तो ज़रा सोचेंगे ब्रैंड यू अप्लाइड फॉर तीस लाख रुपये की गाड़ी सड़क के ऊपर बंद खड़ी है तो क्या आपकी फीलिंग होगी तो उसके अंदर बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग तो होता क्या है कि उन्होंने अपनी चीज़ तो बेच दी और बेच के आप भाई थैंक यू वेरी मच अब आप चले जाएँ यहाँ से लेकिन वो रिलेशनशिप आप बिल्ड नहीं कर सके उस शोरूम के साथ तो आपको कभी ये नहीं याद रहता कि मैंने गाड़ी कौन से शोरूम से खरीदी थी मैं आपको बैट कर सकता हूँ कि आपको शायद ही कभी भी याद नहीं होगा कि कौन सा शोरूम था लोकेशन आपको याद होगी आपको उसको शोरूम का नाम याद नहीं होगा या उस सेल्स के बंदे का नाम याद नहीं होगा जिसने आपको गाड़ी बेची थी और ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान के अंदर क्योंकि गाड़ियाँ लेने वाले ज़्यादा हैं और गाड़ियाँ चूंकि जो उसकी प्रोडक्शन है वो इतनी तेज़ी से नहीं हो रही जिसकी वजह से एट टाइम्स जो सेल्स के लोगों का बिहेवियर भी होता है वो भी शायद इतना ठीक नहीं होता जितना होना चाहिए और एक प्रीमियम कस्टमर के जो अच्छे खासे पैसे खर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए वो खुद ही पीछे पीछे डॉक्यूमेंट्स लेके और पैसे लेके घूम रहा होता है बट ऑन द फ्रॉम द अदर साइड जितनी रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही होती तो इस वजह से जब आप डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसमें आपने फोकस यही रखना है कि आपने यूज़र बेस बढ़ा ली अब आप रिलेशनशिप बढ़ाएं लोगों से बात करें पता तो करें कि वो चाहते क्या हैं वो क्या देखना चाह रहे हैं क्या पढ़ना चाह रहे हैं मैच आप देख रहे हैं क्रिकेट मैच चल रहा है और क्रिकेट मैच के दौरान एकदम आप देखते हैं कि जी आइए नाजरीन हम आपको बताते हैं कि आज जो है ना शायद आफरीदीन ने ये कर दिया तो आज उसने भाई हम मैच देख रहे हैं हमें नज़र आ रहा है हमें उस मैच के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है बजाय इसके कि हम एक थर्ड पर्सन को सुने वो जो उस मैच की कॉमेंट्री करके हमें बताए और शक्ल भी उसी तीसरे बंदे की आ रही है तो इस वजह से वो कंटेंट भी रेलिवेंट नहीं है और वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग का प्रॉब्लम भी आएगा और आप चैनल को भी चेंज कर देंगे इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आप नोट करें शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम टेलीविजन टू डिजिटल मीडियम क्योंकि दे डोंट वांट टू सी एड्स दे डोंट वॉन्ट टू सी अननेसेसरी स्टाफ वेन दे आर वॉचिंग अ ड्रामा और दे आर वॉचिंग मैच अब रिलेशनशिप बिल्डिंग जब आपने कर ली और इसकी एक स्ट्रेटजी आपने बना ली स्पीक के अंदर तो तीसरे नंबर पर चीज़ आती है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू यू यानी कि जो आपका यूज़र है उसको आप एक्सेस प्रोवाइड करें Uh, कोई नंबर हो uh, कोई मैसेजिंग मैसेज uh, करने की जगह हो ऐसा उनको फ़ील हो कि मैं अगर आपसे कोई चीज़ ले रहा हूँ या आपका कंटेंट पढ़ रहा हूँ तो आई कैन कनेक्ट टू यू आल्सो यहाँ मैं पाकिस्तान के वो ब्रिलियंट वी लॉगर्स यानी वीडियो लॉगर्स जिनमें डिफरेंट लोगों का शुमार आता है और सेलिब्रिटी उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और उनका मैं ज़रूर जिक्र करूँगा बिकॉज दे आर डूइंग एन एक्सलेंट जॉब इन क्रिएटिंग ए रियल कॉन्टेंट एंड पोस्टिंग इट ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक और जब आप उन वीडियो लॉगर्स को देखते हैं उनके कंटेंट को पढ़ते हैं तो आपको चांस भी होता है आपके पास तरीका भी होता है कि यू कैन एक्चुअली मैसेज देम यू कैन कनेक्ट विद दैम एंड दे रिप्लाई बैक टू यू दे कनेक्ट बैक टू यू अगेन रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है उससे उनका कॉन्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहा है ज़रूरी नहीं है कि खाली नंबर ऑफ़ व्यूज से वो पैसे कमा रहे हैं काफ़ी कंपनीज़ होती हैं जो उनको फ्री में कहती हैं कि भाई जाओ जाके हन्जा या गिलगि बल्थिस्तान का टूर करके आओ और वहाँ जाके वीडियो बनाएँ हमारा मोबाइल फ़ोन यूज़ करें हमारा कैमरा यूज़ करें हमारी गाड़ी यूज़ करें तो दे आर प्रमोटिंग दैम सेल्स ऑल्सो बट दे आर कनेक्टिंग टू यू ऑल्सो तो इस वजह से जब आपने अपनी स्पीक की स्ट्रेटजी बनानी है तो हमेशा उसमें देखना लें कि आप वो कनेक्शन जो बनाना चाहते हैं अपने यूज़र के साथ वो किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं अस को कोई पेज हो या कोई नंबर हो कोई व्हाट्सऐप का नंबर हो ये तमाम चीज़ें आपने इम्बैक्ट करनी है अपनी स्पीक स्ट्रेटजी में ऑलवेज ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड टॉक वट दे लाइक दे के अंदर आपका यूजर है जो यूज़र को पसंद है उसी टोन में बात करें उसी तरीके से यूजर को कॉन्टेंट प्रोवाइड करें आ, एक कार्टून है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं और एक कार्टून है जो एडल्ट के लिए बनाए गए हैं दोनों के कॉन्टेंट के अंदर फर्क होता है आई कॉन्ट नेम दी वी शोज या उन कार्टून के नाम मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन Uh, काफ़ी ऐसे शोज़ हैं कि जिसमें आप देखते हैं कि कुछ फैमिली शोज होते हैं uh, कुछ मेल ओरिएंटेड शोज होते हैं कुछ फीमेल ओरिएंटेड मूवीज़ होती हैं तो उसके अंदर तो जो कंटेंट होता है वो उस तरीके से मोल्ड किया जाता है उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि जो ऑडियंस को सुनना चाहती है जो उस ऑडियंस को देखना चाहती है तो इसी वजह से मैं हमेशा आपको कहूँगा कि टॉक वड दे लाइक उसको हमेशा जेह में रखें अब आगे एक पॉइंट आता है जो लास्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर सेशन का कि टेल अबाउट योर आपने uh, कंटेंट पोस्ट करते हैं मजाया कंटेंट पोस्ट करते हैं uh, कुछ ऐसे चैनल्स हैं कि जो दूसरे लोगों को ग्रिल करते हैं रोस्टिंग करते हैं उनकी फ़नी uh, कंटेंट होता है गेमिंग का कंटेंट होता है डिफरेंट तरीके का कॉन्टेंट है लेकिन अपने चैनल को अपने आप को प्रमोट करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लोगों को बताएं आप हैं कौन दे वॉन्ट टू नो कि जिस बंदे का वो कंटेंट देख रहे हैं वो एक्चुअली दर हकीकत है कौन टेल अबाउट योर सेल्फ टेल अबाउट योर क्लाइंट अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा अबाउट अस का एक पेज होता है उसके अंदर डिफरेंट इन्फॉमेशन लिखी होती है अक्सर हम सोचते हैं कि यार इस इफारमेशन को किसने पढ़ना है बहुत सारे लोग हैं जो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं बिकॉज दे वांट टू कनेक्ट टू यू सेलिब्रिटीज़ के साथ क्या होता है लोग उनके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रहे होते हैं फेसबुक को फॉलो कर रहे होते हैं क्यों क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी के बारे में देखना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि ये डेली तौर के ऊपर क्या काम कर रहे हैं कि जो हमसे मुख्तलिफ है और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो आ, उसे मोटिवेशन भी लेते हैं आ, उनको फॉलो करके उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी नया क्रिकेटर आ रहा होता है उससे पूछते हैं कि अच्छा भाई आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है तो वो एक क्रिकेटर का नाम लेता है वो उनकी ज़िंदगी को फॉलो कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि अगर वसीम अक्रम है तो वसीम अक्रम ने कैसे बॉलिंग कराई कौन सी एज के अंदर किस तरीके से वो बॉल कराता था देन दे ट्राई टू कॉपी देम दे ट्राई टू फॉलो देम एंड दैट्स हाउ आइडल्स आर बिकम तो इस वजह से जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग की स्पीक की स्ट्रेटजी को बना रहे हैं तो उसमें हमेशा अपनी टेल अबाउट योर की स्ट्रेटजी को कभी ना भूलिएगा अपने बारे में बताएं अपने बारे में जितना मजीद बता सकते हैं, बताएं ताकि जो आपका यूज़र आपसे कनेक्ट हो और कनेक्ट होकर उसका वो एक्सपीरियंस जो आप एक अच्छे तरीके का बनाना चाह रहे हैं वो हमेशा बन सके